लाल रंग की पट्टी दिख रही है, चमकता हुआ लाल रंग, केजोलेशिया शांति प्रदान। पूरा शरीर शांति से भर गया। पद्मलेशिया चमकता हुआ हल्दी का पीला रंग की पट्टी देखिए सामने, उगता हुआ सूरज चमकता हुआ पीले रंग की पट्टी देखिए, आनंद की अनुभूति। पद्मलेशिया आनंद चमकता हुआ सफेद रंग की पट्टी, शुक्ल लेशिया विशुद्धता वीतरागता पवित्रता। पूरा शरीर शांति आनंद वीतरागता यानी पवित्रता से भर गया। मैं प्रभु के दर्शन कर रहा हूं, मेरी आत्मा से साक्षात्कार हो रहा है। अपनी आत्मा से बात कीजिए, मैं आत्मा हूं, आत्मा मैं हूं। आत्मा से आत्मा की बात कीजिए, प्रभु को रिझाइए, दुख दर्द की बात बताइए, आशीर्वाद दीजिए, चारों तरफ आनंद ही है। प्रभु आनंद का प्रतीक है, प्रभु शांति का प्रतीक है, प्रभु वीतरागता का आनंद ही आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्न, चारों तरफ आनंद। अब हम थोड़ा अनुप्रेक्षा करेंगे, अनुप्रेक्षा। हम अनुप्रेक्षा एक अच्छे साधक बनने की अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। प्रभु मैं एक अच्छा साधक बनना चाहता, अपना स्वयं का चित्र जैसा साधक बनना चाहते हैं, सामाई की वेशभूषा में है, पद्मा सुखासन में आसन पर बैठे हैं, वह अपना फोटो दाया लोभ है सिर का, दाया हिस्सा आपके स्वयं का दाया हिस्सा, उसके अंदर वो फोटो फिट कर दें जैसा आप साधक बनना चाहते हैं, सरल शांत राग द्वेष मुक्त योग शुद्धि का साधक, कषाय उपशमन का साधक, राग द्वेष मुक्त साधक, त्रिगुप्ति की साधना करने वाला साधक, जो आप बनना चाहते हैं उसको आप फोटो रख दें। अब हम अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, प्रभु हे मेरी आत्मा आप मुझे आशीर्वाद दें, मुझे अच्छा साधक बनना, मुझे अच्छा साधक बनना, मुझे राग द्वेष मुक्त साधक बनना, मुझे राग द्वेष मुक्त साधक बनना, मुझे राग द्वेष मुक्त होना है। अनुभव कीजिए फोटो के साथ में, अनुपेक्षा कीजिए, सुझाव दीजिए। आपका यह सुझाव दाएं लोब से सीधा सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है, वहां तक जाएगा और वहां से रूपांतरण चालू होगा। हमारे सारे शरीर का रूपांतरण सबकॉन्शियस माइंड अर्ध चेतन मन के जिस शरीर में होता है वहां तक सुझाव जाता है। आप अनुप्रेक्षा कीजिए अपने स्वयं के फोटो को देखकर, मुझे अच्छा साधक बनना, मुझे राग द्वेष मुक्त साधक बनना है, मुझे कषाय उपशमन करना है, मुझे त्रिगुप्ति की साधना करनी है, मेरे मन वचन और काया की शुद्धि करनी है, त्रिगुप्ति की साधना कषाय की उपशमन की साधना का साधक मैं साधक बन रहा हूं, मैं वैसा साधक बन रहा हूं। सुझाव दीजिए,
आप में रूपांतरण चालू हो गया है, आप एक अच्छे साधक बनने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। मैं राग द्वेष मुक्त साधक हूं, मेरा राग द्वेष घट रहा, मेरा राग द्वेष कम हो, मेरा राग द्वेष कम हो, मेरा राग द्वेष कम हो। ये सारा सुझाव अर्धचेतन मन, अवचेतन मन से जो शरीर में जा रहा है, रूपांतरण की प्रक्रिया चालू हो रही है। आप स्वयं देखिए, अवचेतन मन में रूपांतरण की प्रक्रिया चालू हो गई है, शुभ लेशियाओं ने कार्य प्रारंभ कर दिया है, तेज और पद्म लेशियाओं तक यह संदेश पहुंच गया। अनुभव कीजिए, मैं राग द्वेष मुक्त साधक बन रहा हूं, मैं त्रिगुप्ति की साधना कर रहा हूं, मैं कषाय उपशमन की साधना कर रहा हूं, मेरा क्रोध मान माया लोभ घट रहा कम हो रहा, मेरी त्रिगुप्ति की साधना सफल हो रही। अब मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं 5 मिनट के लिए। यह प्रयोग आप स्वयं की अपने परम मित्रों, शरीर और श्वास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, उनका आशीर्वाद लेकर आप अपने मूल स्थान, मूल स्वरूप में आइए, मूल रूप में आइए। धीरे धीरे अनुभव हो रहा है, मेरा शरीर भारी हो रहा है, श्वास भारी हो रहा। अरंते शरणम पवज्जाम, सिद्धे शरणम पवज्जाम, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणम पवज्जाम। प्रभु ने आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद आपकी हथेलियों पर आ गया है। 3 बार मसल कर अपने सिर पे मस्जिद में लगाए। आराध्य देव को वंदन। वरिष्ठ उपासक श्रीमान दादे साहब, धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, पवित्र महापर्व का यह 8वां दिन संवत्सरी भगवान आचार्य तुलसी कहा करते थे कि आज के दिन सदिया भदिया और कदिया तीनों आते ही हैं, चाहे वो दूसरे दिनों में आए या न आए, संवत्सरी के दिन वो जरूर आएंगे। तो ज्यादा से जो ज्यादा आएंगे, हम अपने संवत्सरी महापर्व को शुरुआत करें उसके पूर्व मेरा निवेदन है, महिला मंडल से मंगलाचरण के लिए आप आए और मंगलाचरण करें।
जैसा कि हमने कल तक भगवान महावीर के 26 पूर्व भवों का विवरण सुना और उसके पश्चात भगवान के जन्म से लेकर दीक्षा तक का विवरण हमारे उपासक जी सुनाएंगे। उसके पूर्व हम भगवान महावीर की स्तुति दो पद्यों के द्वारा करते हैं। महावीर तुम्हारे शंकर परंपरा को नमन। महामनस्वी महायशस्वी तेजस्वी ओजस्वी प्रातस्मरणीय हृदय सम्राट आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। धर्मनगरी ईचल करण जी के श्रद्धानिष्ठ तत्वज्ञ श्रावक श्राविका बंधुओं भाइयों और बहनों और मेरे उपासक बंधु कांतिलाल जी कावड़िया, हम पिछले 7 दिए 99 कार्यक्रम 9 दिन का कार्यक्रम होता है। आज उसका 8वां दिन कल निष्पत्ति मूलक दिन क्षमापना दिवस, उस दिवस को जोड़ करके ये 9 दिन का कार्यक्रम है। तो आज हमने आज सांवत्री का या हमारा पर्वाधिराज पर्वत सारे पर्वों का राजा, दुनिया में कई तरह के पर्व मनाए जाते हैं लेकिन ये जैन लोगों का पर्व ग्रहण करने का नहीं छोड़ने का पर्व है, इसलिए पर्वाधिराज कहा गया है। दूसरे पर्वों में ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है लेकिन इसमें छोड़ा जाता है।
क्या जोड़ा जाता है, हम प्रयत्न करते हैं कि हमारा राग द्वेष कम हो, हमारी ईर्ष्या, हमारी घृणा, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, इनका शुद्धिकरण हो, हमारे अठारह पाप है उनका शुद्धिकरण हो। ये छोड़ने का पर्व है बंधुओं, हम बुराइयों को छोड़ें, अच्छाइयों को प्राप्त करें, यह इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है। हमने 7 दिन लगातार अलग अलग विषयों के ऊपर अपनी आत्मा को भावित करने का प्रयास किया, ध्यान किया, जप किया, और उसके साथ साथ में सामायिक त्याग पचकान खाद्य संयम कई उपक्रम किए। बंधुओं, आज हम इस संवत्सरी के दिन हमारे परम प्रभु उद्धारक मानवता के मसीहा, जिन्होंने हमारा ही नहीं संपूर्ण मानव जाति नहीं प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सिद्धांत दिए, प्रयोग दिए, करुणा बरसाई। भाइयों, ऐसे महा प्रभु भगवान महावीर के जीवन के बारे में हम वृतांत सुन रहे हैं। 26 वर्ष नए साल से लगाकर जब सम्यक तो प्राप्त किया, तब से 26 भवों का लेखा जोखा हमने सुना। अब परम प्रभु महावीर का जीव, नए साल का जीव, वैशाली नगरी जो आज भी बिहार में है, वहां पर उसके पश्चिम तट पर 2 ग्राम ब्राह्मण कुंड व क्षत्रिय कुंड आज भी मौजूद है। उन दोनों ग्रामों में से ब्राह्मण कुंड में ऋषभ जतो देवानंदा एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जो कि भगवान पार्श्व के अन्यायी थे। अब भगवान के जीव ने देवानंदा की कुक्षी में प्रवेश किया, अवतरण हुआ, और प्रभु देवानंदा की कुक्षी में प्रवेश के बाद देवानंदा ने 14 स्वप्न देखे। तीर्थंकर और चक्रवर्ती की मां, जब वह पुण्यशाली जीव उसके गर्भ में आता है तो 14 स्वप्न देखते हैं। तो ऋषभदत्त को देवानंदा ने यह घटना बताई तो निमित्तज्ञों ने कहा कि तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है, उसका फल बताया। लेकिन इंद्र शक्रेंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा कि जो तीर्थंकर होते हैं वो 87 कुल में जन्म लेते हैं, क्षत्रिय कुल राजा के कुल में जन्म लेते हैं, और भगवान का जन्म तो देवानंदा ब्राह्मण की कुक्षी में हो रहा है। ये अवधि ज्ञान से देखा कि ये किस तरीके से विपरीत हो रहा है, तो उसने अपने हरिण गमेशी देव, वह ऐसा देव होता है जो गर्भ का संग्रहण करता है, एक गर्भ को उठा करके दूसरी मां के कुक्षी के अंदर स्थापित करता है, गर्भ संग्रहण करता है। उसको बुलाया गया, हरिण गमेशी देव को आदेश दिया गया कि तुम देवानंदा की कुक्षी से भगवान महावीर के जीव को, जो है मां त्रिशला की कुक्षी के अंदर प्रवेश कराओ, और वहां जो पुत्री है, जो वो गर्भ में जो जीव पल रहा है, उसको देवानंद की कुक्षी में स्थानांतरित करो। वह हरिण गमेशी देव देवानंदा जहां सो रही थी वहां गया, भगवान के जीव को
भाव नमन किया और उस देवानंदा को अब स्वापिनी निद्रा, ऐसी निद्रा होती है जिसके अंदर वह व्यक्ति अपना भान भूल जाता है। तो वहां पर से जो है भगवान के उस जीव को वहां से स्थानांतरित करके और त्रिशला मां सिद्धार्थ राजा, जैसा मैंने बताया कि वहां ब्राह्मण कुंड व क्षत्रिय कुंड ग्राम जो है वैशाली के पश्चिम तट पर स्थित थे, तो क्षत्रिय कुंड ग्राम में राजा जो अपने सिद्धार्थ और रानी त्रिशला वहां विराजमान थे, तो त्रिशला की कुक्षी में स्थापित किया। और अब देखिए 83 रातें भगवान के जीव ने देवानंदा की कुक्षी में बिताई और अब वो गर्भ जो है त्रिशला मां की कुक्षी में स्थानांतरित हुआ। और जब स्थानांतरण का दिन है, ये आशोधी 13 का दिन था, अब क्योंकि वो वहां से जीव का स्थानांतरण हुआ तो देवानंद के 14 स्वप्न, देवानंदा के 14 स्वप्न जा रहे हैं और त्रिशला मां 14 स्वप्न एक एक करके देख रही है। उन 14 सपनों के विवरण का एक सुमधुर गीत आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आया जी आया 14 सपना आया रे, आया आया रातड़ली रे मार रे, आया जी आया 14 सपना आया रे, आया आया रातड़ली रे मार रे, देखा जी देखा त्रिशला माता देखा रे, देखा देखा सपने रे मां, यो हो 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 कि पहले सपने में देखो हाथी जाने रावत रो साथी, दूजे में बल चाली बेल के देखा रे, देखा देखा सपने रे मां, कि तीजे के तर सिंह ने देखो जाने गगन चीर में उठियो, चौथे में लक्ष्मी माई के देखा रे, देखा देखा सपने रे मां, कि हो पंचवरणी माला से तहरा नीला पीला काला, चट्ठे में चंद विशाल के देखा रे, देखा देखा सपने रे माय रे, आया जी आया 14 सपना आया रे, आया आया रातड़ली रे माय, ओ आयो दुनिया रो अंधकार मिटायो, आठवे में ध्वजा लहराए के देखा रे, देखा देखा सपने रे माय, नव में पूर्ण कलश है पावन यो है मन मोहन मन भावन, दसवे में देव विमान के देखा रे,
देख्या देख्या सपने रे माय ओ हो अग्यारे उतरे रत्ना करने रत्ना थी उभरा तो सागर बारवे में पद मरोवर के देख्या रे देख्या देख्या सपने रे माय तेरवे देखी रत्नारी राशी देखन ने दुनिया है प्यासी चौदह में लप गती आग के देख्या रे देख्या देख्या सपने रे माय आया जी आया चौदह सपना आया रे आया आया रात ली रे माय देख्या जी देख्या पिछला माता देख्या रे देख्या देख्या सपने रे माय रे आया जी आया चौदह सपना आया रे आया आया रात ली रे माय त्रिशला चौदह सपना जो देखे बहुत प्रसन्न हो रही है खुश हो रही है और उसके शरीर के स्पंदन में आनंद 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 की अनुभूति हो रही है। राजा सिद्धार्थ को इस प्रसन्नता का समाचार दिया गया। राजा सिद्धार्थ ने स्वप्नवेताओं को बुलाया, उच्च कोटि के स्वप्नवेताओं को बुलाया और पूछा इन 14 सपनों का क्या फल है, क्या होने वाला है, ये किस बात के लक्षण है। स्वप्नवेताओं ने अपने ज्योतिष शास्त्रों को खोला और बताया कि हमारी धरती पर भुवन भास्कर 24वां तीर्थंकर का पुण्यशाली जीव जन्म लेने वाला है, यवन हो चुका है, उसका मां के गर्भ में पल रहा है। उस वक्त देखिए भगवान जब गर्भ में आए मां त्रिशला के चारों तरफ पूरे राज्य में धन धान्य सुख की बढ़ोतरी होने लगी, चारों तरफ आह्लाद ही आह्लाद होने लगा, हर चीज वर्धापित होने लगी और राजा सिद्धार्थ का यश कीर्ति बढ़ने लगी। अब क्या होता है कि कोई भी तीर्थंकर का जीव जब मां के गर्भ में प्रवेश होता है तब वह 3 ज्ञान साथ लेकर आता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि मैं मां के गर्भ में हिलता हूं, डुलता हूं, हाथ पैर हिलाता हूं तो मां को कितना कष्ट होता होगा, वो करुणा के सागर है, मां क्या किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं। तो उन्होंने हिलना डुलना बंद किया। जो ही हिलना डुलना बंद हुआ मां ने देखा मेरे गर्भ को क्या हुआ, कोई क्षति तो नहीं हुई, वह उदास हुई और दुख मग्न हो गई। तो इस तरीके से जो गाजे बाजे बज रहे थे तो इस समाचार से वो गाजे बाजे भी बंद हुए और थोड़े समय बाद पुनः भगवान ने अवधि ज्ञान लगाया, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो मां की प्रसन्नता के लिए किया, मां को कष्ट न पहुंचे उसके लिए किया, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, मां दुखी हो गई। उन्होंने पुनः हिलना डुलना प्रारंभ किया और इस घटना को देखकर उनके मन में करुणा आई कि इतने से मेरी मां दुखी हो गई तो जब मैं दीक्षा लूंगा, वो तो अवधि ज्ञानी थे, तीर्थंकर बनने वाले थे, मैं जब दीक्षा लूंगा
तो मेरी माँ को मेरे पिता को कितना कष्ट होगा। तो उन्होंने गर्भ के अंदर ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक माता पिता जीवित है मैं दीक्षा नहीं लूंगा। बंधुओं यहां देखिए, अभी वो राग द्वेष मुक्त नहीं हुए हैं, उनमें राग द्वेष का बीज बाकी है। ये सारा कल्प सूत्र से जो है आपको सुनाया जाता है। आज या कहीं पे भी जैन साधु साधियां संवत्सरी के दिन कल्प सूत्र से भगवान की सारी जीवनी पूरा इतिहास बताते हैं। इन सब बातों को बताने का प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ टेलिंग ऑल दी थिंग्स? हर चीज निष्पत्ति मूलक होना चाहिए, हर शब्द निष्पत्ति मूलक होना चाहिए, हर विचार निष्पत्ति मूलक होना चाहिए, उसका कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इसका रिजल्ट यह है कि हमारे कषाय पतले पड़े और हम भी इन सब घटनाओं को देखकर वैराग्य को पैदा करें, हमारे में अनाशक्ति बढ़े और हमारा जीव भी इनको सुन सुन करके वैरागी बनकर अच्छा श्रावक बने, महाव्रती बने हम, और धीरे धीरे राग द्वेष मुक्त होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, मोक्ष बने। हमारा लक्ष्य मोक्ष है। यह लक्ष्य हमें हर क्षण याद रहना चाहिए, बहुत ऊंचा लक्ष्य है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, लक्ष्य इतना ऊंचा बनाओ कि तुम पहुंच ना सको। पर भाइयों, लक्ष्य ऊंचा होगा ना पहुंचे कोई हर्ज नहीं, उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी होगी, उसकी हम जो योजना बनाएंगे वो बहुत बड़ी होगी। तो ऐसा हमारा लक्ष्य बड़ा बने, इसलिए ये सारी प्रभु की और 24 तीर्थंकरों के जीवन को वैराग्य पैदा करने के लिए, सम्यक दर्शन हमें दिलाने के लिए ये किया जाता है। अब देखिए, पूरे 9 महीने संपन्न होने पर, गर्भकाल पूरा होने पर, ईसा पूर्व 599 चैत्र शुक्ला 13 को मध्य रात्रि उत्तर फागुनी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया। भगवान की सेवा में देवी देवता 63 इंद्र सभी हाजिर रहते हैं। तो 56 दिग कुमारियों ने प्रसूति कर्म जो आजकल दाई करती है वो कार्य उन्होंने, दिग कुमारियों ने किया। और जन्मोत्सव मनाने के लिए देवगण, देवलोक के देवता और समस्त इंद्र आए, 100 देवलोक के इंद्र भी वहां आए। उन्होंने शिशु यानी भगवान महावीर को 100 इंद्र ने अपने हाथ में लिया और उसका प्रतिरूप जो है मां की गोद में रखा। देवों के पास में रिद्धियां होती है, सिद्धियां होती है, कई कलाएं होती है। अब भगवान के जीव को इंद्र एक उत्सव के साथ, जुलूस के साथ मेरु पर्वत के पुंडरीक वन में जन्माभिषेक, जन्म का अभिषेक करने के लिए ले गए। उस वक्त में 63 इंद्र वो देवगण उपस्थित थे। अब देखिए, 100 धर्मेंद्र जिसके हाथ में भगवान का जी, वो छोटा शिशु है। हर कोई जन्म लेता है शिशु के रूप में जन्म लेता है, भगवान के रूप में जन्म नहीं लेता, 6 का जन्म नहीं लेता, महापुरुष के रूप में जन्म नहीं लेता है, शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो शिशु जब इंद्र के हाथ में था, उसके मन में शंका आई कि हम इनका जन्माभिषेक कर रहे हैं, इनके ऊपर कई तरह का पानी वगैरह जो भी उनका सिस्टम है वो डाला जाएगा, क्या छोटा सा बालक सब सहन कर पाएगा? सर्दी तो नहीं लग जाएगी, जुकाम तो नहीं हो जाएगा? शंका हुई। अब भगवान ने अवधि ज्ञान लगाया कि इंद्र शंकित हो रहा है,
मेरे बल पे इसको विश्वास नहीं है। उन्होंने अपने शिशु के रूप में अंगूठे से जो है उस मेरु पर्वत को थोड़ा सा टच किया, छुआ, तो मेरु कंपायमान हुआ। इंद्र ने देखा कि ये क्या हुआ, इतना बड़ा भूचाल कहां से आ गया, इतना भूकंप कहां से आ गया, आज मेरु पर्वत हिल रहा है। अरे उसने अवधि ज्ञान लगाया कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने भगवान के बल पर शंका की। भगवान तो अनंत बली है, उनको प्रणाम किया, उसे क्षमा याचना की और जन्मोत्सव मनाया गया। और भाइयों, भगवान ने जन्म ले लिया है, नगर उत्सव मनाया जा रहा है, इंद्रपुरी की तरह वैशाली का ये क्षत्रिय कुंड ग्राम इंद्रपुरी की तरह सजाया गया और कैदियों को मुक्त कर दिया गया, कर समाप्त कर दिए गए और धन धान्य की खूब वृद्धि हो रही है, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है। तीर्थंकर जहां विराजते हैं, जन्म लेते हैं, इनके अतिशय है। 125 योजन तक तीर्थंकर जहां विराजते हैं वहां कोई तरह का कष्ट नहीं होता, महामारी नहीं आती, बीमारी नहीं फैलती। इनके 34 अतिशय और 35 वचन अतिशय होते हम सब जानते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। अब नामकरण का समय आया कि इनका नाम क्या रखा जाए। सभा जुड़ी, मंत्रियों को बुलाया गया, प्रजा आई, बड़ी प्रसन्नता थी, उत्सव मनाया गया। भगवान सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ ने कहा कि जब इनका जन्म हुआ तब सब चीज वर्धापित हुआ, वर्धमान होता रहा। वर्धमान का मतलब बढ़ोतरी, हर चीज में बढ़ोतरी हुई, धन धान्य प्रॉपर्टी सुख सभी में बढ़ोतरी हुई। तो प्रस्तावित किया गया कि इनका नाम वर्धमान रखा जाए। सबने स्वीकार किया, भगवान का नाम वर्धमान रखा गया। बाद में भगवान के नाम जुड़े, महावीर समय समय पर भगवान के जो है विशिष्टताओं को देखकर महावीर, श्रमण, ज्ञात पुत्र नाम प्रचलित हुए। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, 8 वर्ष के हुए और अपनी बाल लीलाएं प्रारंभ की। अपने दोस्तों के साथ भगवान जब 8 वर्ष के थे तो वो खेल रहे थे, उस खेल का नाम है आमली क्रीड़ा। उसमें यह होता है कि बच्चे एक स्थान पर खड़े होते हैं, कौन बच्चा पहले पेड़ को निर्धारित किया जाता है, उसके हाथ लगा के अपने स्थान पर आएगा, ये आमली क्रीड़ा होती है। अब देखिए कि उस आमली क्रीड़ा पर जो है बच्चे पेड़ पे भी चढ़ रहे हैं, ये भी एक क्रीड़ा का भाग होता है। बच्चे उस पेड़ के ऊपर जो निर्धारित किया उस पर चढ़े, क्योंकि बच्चे तो होते हैं वो मन के मौजिक होते हैं, अपने हिसाब से खेल कूद करते हैं और वो नेचुरल वे में रहते हैं। जैसे हमने ज्ञानशाला का जो है वो प्रस्तुति देखी थी, अब वहां पर बच्चे जब ऊपर चढ़े हुए हैं तो उन्होंने देखा कि एक सर्प, भयंकर सर्प जो है वो टहनी पर लपटा हुआ है। सभी बच्चे बहुत डर गए, भागने लगे, नीचे उतरे तो भगवान ने उसको रस्सी की तरह पकड़ करके फेंक दिया और इस तरीके से ये उनकी आमली क्रीड़ा होती रही, खेल चलता रहा। एक खेल और था जिसके अंदर घोड़ी बनने का खेल, जो बच्चा हारेगा वो घोड़ी बनेगा और जो विजेता बच्चा होगा वो उसके ऊपर बैठेगा। तो क्या हुआ कि वहां एक देव भी हाजिर हुआ भगवान की परीक्षा करने के लिए। जब इंद्र ये सारे वृतांत बताते हैं देवों को, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, तो कई ऐसे जो है वो क्या कहना चाहिए, जलन रखने वाले देव होते हैं कि हमारे से भी बड़ा मनुष्य लोक में कोई हो सकता है,
वो देवलोक पर आकर ऐसे महापुरुषों की समय समय पर परीक्षा करते हैं। तो एक देव भी जो है वह इस क्रीड़ा के साथ हाजिर हुआ और उन्होंने भगवान को पराजित करना अपना चमत्कार बताना चाहा, तो वो घोड़ी बना स्वयं हार गया और भगवान विजित हुए। तो उसके ऊपर बैठे महावीर वर्धमान बैठे, तो ताड़ का वृक्ष करके ऊंचा 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 बढ़ता गया। तब भगवान ने तो मालूम किया ये तो कोई मायावी है, इस मायावी को चमत्कार बताना चाहिए। तो उन्होंने वो चमत्कार बताया, अपने अंगूठे से इतना जोर दिया कि वो देव वहीं देव मतलब नीचे पहुंच गया, भगवान नीचे उतरे और वो हाजिर हुआ कि मैं तो आपका परीक्षक बनने आया था, लेकिन मैं आपका प्रशंसक बन के जा रहा हूं, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मुझे क्षमा करें। वो देव पुनः लौटा। अब देखिए भगवान का पढ़ाई का समय आया, हम बच्चों को प्ले ग्रुप में भेजते हैं, 2.5 साल का होते ही प्ले ग्रुप में डाल देते हैं। तो भगवान 8 वर्ष के हुए और उनको राजा सिद्धार्थ है पढ़ाने के लिए पोसाल होती थी, पहले हमारे जसोल में बालू राम जी की पोसाल थी, जसोल वाले जानते हैं, कई हर गांव में पहले पोसालें हुआ करती थी। तो वो उस पोसाल में पाठशाला में राजा सिद्धार्थ वर्धमान को ले गए, वहां पर जो है इंद्र वृद्ध जो है ब्राह्मण का रूप बना करके आया, तो भगवान को नीचे बिठाया गया और जो शिक्षक था वो ऊपरी स्थान पर बैठा। तो अब देखिए वो इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में कई प्रश्न व्याकरण के उस शिक्षक को पूछे, शिक्षक उत्तर नहीं दे पाया, मास्टर जी पोसाल के गुरु जी शिक्षक जो उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन भगवान ने उस कठिन व्याकरण के जो उत्तर, क्यों तो भगवान थे अवधि ज्ञानी थे, वो इंद्र जो ब्राह्मण के रूप में था व्याकरण के सारे प्रश्नों का उत्तर सहज रूप में भगवान ने दे दिया। तो वो शिक्षक जो है बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैं इनको क्या पढ़ाऊंगा, ये तो पढ़े पढ़ाए हैं। तो इंद्र ने जो है उनका परिचय कराया और भगवान पुनः जो है वो अपने राजगृह के अंदर पधार गए, अपने महलों में आ गए। अब देखिए भगवान बड़े हो रहे हैं, अब भगवान युवा अवस्था के अंदर आए। तो युवा अवस्था में कोई भी व्यक्ति आता है तो सहज ही माँ बाप चिंता करने लग जाते हैं, चाहे जब मूछें आती है और शरीर जब भर जाता है खून से, तो माँ बाप ये सोचने लगते हैं कि, और लड़की होती है तो माँ बाप रात और दिन चिंता करने लगते हैं, रजस्व वाला जब होती है पुत्री तब से माँ की चिंता प्रारंभ हो जाती है अच्छे वर ढूंढने के लिए। तो इसीलिए यह माता पिता ने जो है अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, माँ ने यह कार्य जो है वो भगवान के मित्रों को सौंपा। वर्धमान ने हाँ नहीं की कि मुझे शादी नहीं करनी है, पर माँ ने कहा कि तेरी इच्छा नहीं है परंतु मेरी इच्छा है। अब वो मातृ भक्त थे, पितृ भक्त थे, माँ की बात उनके लिए आदेश होता था। तो माँ ने जब ज्यादा कहा कि इच्छा मुझे है और अपने शब्दों में अपने वात्सल्य में करा, मतलब एक तरह से कहा तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। तो अब देखिए बसंतपुर नगर राजा समवीर और उसकी पत्नी रानी का नाम पद्मावती, उनकी एक यशोदा पुत्री थी। तो विवाह ये कार्य उनके मित्रों को सौंपा गया, तो मित्रों ने ढूंढ करके ये प्रस्ताव लाए और भगवान का यह उनकी माँ को राजा सिद्धार्थ को यह युवती ये उन्हें पसंद आई। तो भगवान को तो पसंद ना पसंद का प्रश्न नहीं था, माँ को खुश रखना था, उनका विवाह किया गया। और ऐसा हमारे आगमों में आता है, कल्पसूत्र में आता है कि भगवान के प्रिय दर्शना नाम की पुत्री हुई जिसका विवाह जमाली राजकुमार से हुआ। लेकिन दिगंबर परंपरा ये मानती है कि भगवान बाल ब्रह्मचारी थे,
उन्होंने शादी नहीं की, अपनी अपनी परंपरा है, हमें अपनी परंपरा को मानना है। भगवान की पुत्री प्रियदर्शना हुई। अब देखिए कि भगवान दीक्षा के लिए, भगवान 28 वर्ष के हो गए और 28 वर्ष की अवस्था के अंदर माता और पिता अनशन पूर्वक 12वें देवलोक में महर्षि देव बने, क्योंकि वो भी त्यागी थे, वो भी वैरागी थे, उन्होंने श्रावक व्रत का पालन किया, श्रावक होने के कारण वो महर्षि देव बने। अब देखिए पीछे बड़े भाई नंदीवर्धन है, भगवान ने नंदीवर्धन को कहा कि मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, मेरी माता पिता के जीवित रहने तक दीक्षा नहीं लेने की मेरी प्रतिज्ञा थी, लेकिन अब मैं आपसे अनुनय विनय करता हूं, आप मुझे दीक्षा की आज्ञा दो। भाई नंदन अपने नंदीवर्धन ने बहुत ही रुआ से कंठ से कहा कि भैया अभी तो 2 वर्ष हुए हैं, हमारा शोक ठंडा नहीं हुआ है, हम शोक से मुक्त नहीं हुए हैं, और ऐसे समय में तुम हमें दुखी करके जाओगे तो भगवान अभी राजी है। तो उन्होंने पुनः इस राग को स्वीकार किया और 2 वर्ष की और अवधि बढ़ाई। जब तीर्थंकर को दीक्षा लेनी होती है उसके 1 वर्ष पूर्व 9 लोकांतिक देव होते हैं, वो आकर के भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने जारा सारा जो राज धर्म अपना निभाया या लोक धर्म निभाया, लोक की सारी प्रक्रियाओं की पूर्ति की, अब आप धर्म पथ का पर अग्रसर होइए और धर्म की ओर अग्रसर होकर दीक्षा लेकर लोगों का कल्याण कीजिए, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करें। इस घोषणा के बाद में, इस प्रार्थना के बाद हर तीर्थंकर 1 वर्ष तक वर्षी दान देता है। यह सारा कार्य देव सहयोग से होता है, भंडार देव भरते हैं। प्रतिदिन वे तीर्थंकर होने वाला जीव, भगवान का जीव, यहाँ पर भगवान महावीर का जीव, भगवान महावर्धमान आगे जाके महावीर हुए, वो प्रतिदिन 1 प्रहर तक दान देते हैं। 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया जाता है। 365 दिन का योग करें तो ये 3,88,00,000,000 मुद्राओं का दान होता है। अब समय पूरा हुआ भगवान के दीक्षा का समय आ रहा है और काका सुपार्श्व और भाई नंदीवर्धन ने दीक्षा की तैयारियां प्रारंभ की। लोगों को पता चला कि अब भगवान जो है धर्म प्रवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, दीक्षा लेंगे, सबका कल्याण करेंगे। चंद्रप्रभा सुखपालिका, बग्गी सुखपालिका में भगवान को बिठाया गया और ज्ञात खंड वन अशोक वृक्ष के नीचे सभी मनुष्य काका सुपार्श्व, नंदीवर्धन, उनके मंत्री और देवता, दृश्य रूप से मनुष्यों को देवता नहीं दिखाई देते हैं पर देवता भी साथ में थे, उनकी ड्यूटी है कि वहां पर जो अशोक वृक्ष के नीचे सुखपालिका को रोका गया, भगवान नीचे उतरे, पंचमुष्टी लोच किया, 5 एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक बीच में पंचमुष्टी लोच किया। देवों ने थाल आगे रखा और वो भगवान के जो केश थे वो रखे, उन केशों क्षीर सागर में प्रवाहित किया गया। अब भगवान ने, क्योंकि अरिहंत तो खुद बनने वाले थे, उन्होंने अपना उच्चारण किया, नमो सिद्धाणम सब्बंग में अकर्णिजम पावम कम्मंग। अब से मेरे लिए सब पाप अकर्णीय हैं। और भगवान दीक्षित हुए, स्वयं ने दीक्षा ग्रहण की, सामयिक चरित्र स्वीकार किया और इस स्वीकार के साथ ही
उन्होंने अभिग्रह किया कि देव तिरियन मनुष्य जीव जो है, अब देखिए जब कोई भी तीर्थंकर का जीव दीक्षा लेता है उस वक्त मन प्रवज्ञान हो जाता है। मन प्रवज्ञान वह होता है कि वो दूसरे आत्मा के मन में क्या चल रहा है, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसके भावों को वो जान जाते हैं। अब भगवान ने अवधि ज्ञान लगाया, मन प्रवज्ञान और अवधि ज्ञान के माध्यम से देखा कि मेरे कर्म पूर्व के इतने इतने भयंकर जो कर्म के खपाए हैं अन्य तीर्थंकरों ने, उनसे बहुत ज्यादा मेरे कर्म है, मुझे खपाना है। और उनको सबको ध्यान रहता था कि मेरे ये साधना काल 12.5 वर्ष का है, 12.5 वर्ष में इन सारे कर्मों को खपाना है। तो उन्होंने अभिग्रह किया, देव तिरियंज मनुष्य कोई भी प्राणी मुझे मेरे शरीर को कष्ट दे तो मैं शरीर की सार संभाल नहीं करूंगा। यह कहकर वो आत्म प्रदेशों में चले गए। भगवान की सारी साधना 12.5 वर्ष की साधना में वो आत्म प्रदेशों अनिमेश ध्यान मौन वगैरह में रहते थे। अब अगला, ठीक है, अगला क्रम हमारे अनुज भाई कांतिलाल जी कावड़िया उपासक प्रस्तुत कर रहे हैं। पीछे जो बैठे हैं जेंट्स, तो आगे की जगह का उपयोग हो सकता है, पीछे से आने वालों को दुविधा ना रहे, तो आगे की जगह का उपयोग करें। तो भगवान ने शिक्षित लेकर होकर कर्मार गांव पधारे और वहां पर धानारूढ़ हो गए। कुछ ग्वाले आए और ग्वालों ने कहा कि हे बाबा, हम कुछ देर बाद वापस आएंगे, तुम हमारे बैलों को देखते रहना, रखवाली करना। मगर भगवान तो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते थे, तो बैलों का कैसे रखते। भगवान रानस्थ थे और बैल चलते चलते कहीं दूर निकल गए। जब वाले वापस आए तब उनको बैल नहीं मिले, तो वो उन बैलों को रात भर ढूंढते रहे, मगर उनको बैल नहीं मिले। और उधर बैल चलते चलते फिर वहीं आ गए जहाँ पर भगवान महावीर खड़े थे। और जब सुबह के समय वाले वापस आए तब देखा कि बैल तो यहीं चल रहे थे, और इनको मालूम था, फिर भी हमारे को नहीं बताया कि बैल कहाँ है। तो वो बहुत क्रोधित हुए और उनको मारने के लिए उत्सुक हुए और कोड़े बरसाने की तैयारी कर रहे थे। तभी चकेंद्र वहां पर आए और कहा कि हे मूर्ख, कि ये तुम क्या काम कर रहे हो। उन्होंने ग्वाले को समझाया और भगवान से प्रार्थना की चकेंद्र ने कि आपके कर्म बहुत है और उत्सर्ग बहुत आने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा में रहूं। तो भगवान ने कहा, न भूतो न भविष्यति, अर्हत किसी के बल पर किसी की शक्ति पर भरोसा नहीं करते, वे स्वयं की शक्ति से ही कर्मों का फल करते हैं। इस प्रकार वहां से भगवान वल्लभ सन्निवेश में पधारे और उन्होंने बहुत ब्राह्मण के घर खीर से प्रथम पालना किया। भगवान का शरीर जब दीक्षित हुए तब कई सुगंधित द्रव्यों से उन पर डाले गए थे जिनसे सुगंध फूट रही थी, और उन सुगंध से आकर्षित होकर कई भौंरे चीर चीर पतंगे उन पर आते, उनको नोचते, उनका मांस भी खाते, उनका रक्त भी पीते, लेकिन भगवान सब कुछ समता भाव से सहन करते। उनकी सुगंध इस तरह से फूटती कि कुछ मन चले युवक आते और उनको पूछते कि बाबा, आपने शरीर पर क्या लगाया है, हमें भी ऐसा चूर्ण होता कि हम भी सुगंधित हो सके। मगर भगवान कुछ भी नहीं बोलते, वह उनको अलग अलग प्रकार से उनको सताते। उधर प्रचंड विहारी युवतियां उनका बलिष्ठ शरीर, घटा हुआ शरीर देखकर उनकी ओर आकर्षित होती और काम की पाजा चांद करने के लिए कहती, मगर भगवान तो अपने समता में थे, तब वह नाना प्रकार से उनको भी सताती
और कष्ट देकर चली जाती। भगवान दीक्षा के पश्चात न तो सर्दी सर्दी की परवाह करते न गर्मी की करते वह और वह खुले बदन ही रहते। इस प्रकार वे उपसर्ग सहन करते गए। उन्होंने प्रायः नींद नहीं ली। जब नींद सताती वह कुछ चक्रमण करते अर्थात घूमते। इस प्रकार वो कष्टों को सहन करते हुए कोला सन्निवेश से मोरा सन्निवेश पधारे। वहां द्विजन तक तापसों का एक आश्रम था और वह आश्रम का कुलपति सिद्धार्थ का मित्र था। तो वहां पधारे और एक दिन के लिए रुके और वह स्थान अनुकूल भी था कुछ। तो वहां के तापसों के अधिपति ने कहा कि आप चातुर्मास यहीं करें। तो भगवान कुछ दिनों तक बिहार कर दूसरी जगह और वापस वहां से पधारे और चातुर्मास वहां बिताने की सोची। और एक पर्ण कुटीर में जो कि सूखी घास का बना हुआ था और कुटीर तो आश्रमों में जैसे घास ही होते हैं तो एक कुटीर में वो ध्यानस्थ हो गए और उस साल बरसात नहीं हुई। तो जीव जंतु जानवर जो थे वो घास खाने के लिए उस कुटीरों पर आते। तो दूसरे जो आश्रम में जो ये थे तापस वो तो उन जानवरों को भगा देते मगर भगवान तो ध्यान में रहते तो भगवान भगाए कौन। तो वो जानवर उस पर्ण कुटीर की घास को खा जाते। तो तापसों ने कुलपति से शिकायत की कि आपने इस व्यक्ति को यहाँ पर ठहराया था है लेकिन ये पर्ण कुटीर की परवाह ही नहीं करता वो डैमेज हो रही है। तब कुलपति उनके भगवान के पास आए और कहा उपालम्ब लेते हुए कहा कि कुमार एक पक्षी भी अपने नीड की रक्षा करता है तो तुम तो राजकुमार हो थोड़ा कुटीर का भी ध्यान रखा करो। तो भगवान ने सोचा यहां मेरा रहना उचित नहीं है। जब भगवान अपनी परवाह नहीं कर रहे थे तो कुटीर की कैसे करते। तो भगवान ने वहां से विहार कर दिया और उन्होंने 5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की। मैं अप्रीतिकारक स्थान में नहीं रहूंगा, प्राय ध्यान में अवस्थित रहूंगा, प्राय मौन रहूंगा, हमेशा हाथ में ही भोजन करूंगा और गृहस्थों का विनय नहीं करूंगा। और सिर्फ एक पखवाड़ा वहां पर बिताया चातुर्मास का और वहां से मोरासनिवेश से अस्तिक ग्राम में पधारे और अस्तिक ग्राम में यक्ष मंदिर में उन्होंने जाने वहां पर ठहरने की आज्ञा मांगी। तो गांव वाले ने कहा कि यहां मत रुकिए, यहां पर एक यक्ष रहता है जो लोगों को सताता है मगर भगवान वहां जाकर अवस्थित हो गए, ध्यानस्थ हो गए और रात के समय जब यक्ष आया तब नाना प्रकार से कष्ट दिए। इसका विवरण हमने पहले भी कुछ सुना है। तब भगवान को जब वो उपद्रव शांत हुआ तब भगवान को नींद आई और 10 मास स्वप्न भी देखे और ऊपर ने उनका अर्थ भी बताया और छोटे स्वप्न का अर्थ स्वयं भगवान ने बताया था। तो इस प्रकार अस्तिक ग्राम का प्रवास उन्होंने वहां पर उसके बाद में कोई उपसर्ग नहीं हुआ और दूसरे वर्ष में भगवान अस्तिक ग्राम का प्रवास संपन्न कर मोरा सन्निवेश पधारे। वहां पर एक अचंदक नाम का अन्य तीर्थ रहता था। वह ज्योतिष और मंत्र तंत्र की विद्या से अपनी आजीविका चलाता और उसका गांव में प्रभाव भी था। तब सिद्धार्थ नाम के देव ने भगवान की यश कीर्ति फैलाने के लिए कई चमत्कार दिखाने चालू किए। उससे गांव में कुछ अचंदक का प्रभाव कम हो गया और उसकी आजीविका कम होने लगी। तो वह भगवान के पास आकर बोला, विनय के साथ बोला, लगभग हे भगवान आप यहां से विहार कर दीजिए नहीं तो मेरी आजीविका ही खत्म हो जाएगी और मेरे को तकलीफ आ जाएगी और मैं दुखी हो जाऊंगा। तो भगवान ने उसके विनय को उसकी करुणा को पर ध्यान देकर वहां से वाचाला की ओर विहार कर दिया। बंधुओं भगवान ने एक अन्य नीति के छोटे से रिक्वेस्ट पर इतना ध्यान दिया कि कहीं यह मेरे कारण दुखी न हो जाए। हम अपने भाइयों की ओर ध्यान दें। एक भाई
करोड़पति है, अरबपति है, और एक के पास 5,000-10,000 के पगार में वो रह रहा है, उसके खाने के लिए पूरा नहीं है, मगर हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, और मंदिरों में या कहीं भी देना होता है नाम के लिए, वहां पर लाखों रुपए हम लगा देते हैं। हमने कभी सोचा है कि हमारे भाई की हालत ऐसी क्यों है? हमने उसको उस पर ध्यान दिया कि कभी वो ऊपर आ सकता है, मगर हम नहीं देते हैं। हम चढ़ावे के नाम पर, अपने नाम के लिए हम लाखों रुपए बर्बाद कर सकते हैं। क्या भगवान को इन सब की जरूरत है? भगवान के पास सब कुछ था, मगर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और फिर हम उनको वापस परिग्रही बना रहे हैं। किसी मुक्तक में ठीक ही कहा है कि हम भगवान को हमने क्या से क्या बना दिया, सोने से लग सम्राट जैसा बना दिया, बन नहीं पाए हम उन जैसा, बन नहीं पाए हम उन जैसा, मगर जैसे हम थे वैसा उन्हें बना दिया, जैसा हम थे वैसा उन्हें बना दिया। तो बंधुओं, हम अपने भाइयों पर ध्यान दें, ऐसे नाम से छलावे से कुछ धर्म नहीं होने वाला है। धर्म होगा तो हमारे शरीर से होगा, हमारे आत्मा को पवित्र करने से होगा, ऐसे धन से कभी धर्म होने वाला नहीं है। तो भगवान वहां से विहार किया और उत्तर वाचाला से दक्षिण वाचाला की ओर पधार रहे हैं। बीच में सुवर्ण बालिका, रौप्य बालुका, दो नदियां पड़ती थी। भगवान पधार रहे थे तब उनको जो देवदूत जो वस्त्र था वह कंटीली पारियों में आ गया, और वह देवदूत जो वस्त्र था वो कांटों में उलझ कर पीछे रह गया, और भगवान आगे बढ़ गए। इस तरह भगवान बिल्कुल अचेल बन गए, उनके पास कुछ भी वस्त्र नहीं था, और 13 महीनों के बाद वे पूर्ण अचेल बने। उत्तर वाचाला जाने के लिए दो मार्ग थे, एक बाहर वाला मार्ग जो सीधा था और सुगम था, और दूसरा मार्ग था जो दुर्गम था, कनकफल आश्रम वाला जो दुर्गम था, मगर थोड़ी उसकी लंबाई कम थी, तो वहां से लोग कम जाते थे, मगर भगवान कनकफल आश्रम वाले मार्ग ही लिया, और वहां से जा रहे हैं। रास्ते में ग्वाले मिले, भगवान को कहा कि हे देवाजी, आप इस पथ पर नहीं जाए, वहां पर एक दृष्टि भी सर्प रहता है, जिसकी दृष्टि पड़ने ही व्यक्ति का प्राणांत हो जाता है, इसलिए आप उधर न जाए। मगर भगवान ने उनकी नहीं सुनी, भगवान चलते गए और ऐसी जगह पर आकर ध्यानस्थ हो गए जहां पर एक सर्प का बिंब था। उधर एक सर्प जो उस कनकसर आश्रम में घूम फिर कर वापस अपने बिल में आया, तो देखा एक मानव आकृति उसके बिल के पास खड़ी है, तो उन्होंने उस सर्प ने एक दृष्टि उन पर डाली। वो इतनी भयंकर दृष्टि थी कि सामान्य आदमी तो वहीं का वहीं ढेर हो जाता, मगर ध्यानस्थ खड़े थे भगवान महावीर। तब उस सर्प को अधिक क्रोध आया, तो वह पूर्ण वेग के साथ में भगवान की तरफ लपका और 3 बार दंत लगाए, और भगवान के शरीर से खून की धारा बह निकली, मगर उस खून में भी दूध का स्वाद पाकर वह अचंभित हो गया। उसने सोचा कि दूध में ऐसा खून में दूध जैसा स्वाद, वह भगवान को एक तक देखने लगा। जब उसका क्रोध शांत हुआ तब भगवान ने कहा कि ओषम हो चंद्रकोशी ऊषम हो। उसने चंद्रकोशी का नाम सुना और उस सर्प को उहा ओह होने लगी, ये नाम मैंने कहीं कहीं सुना है, यह उहा इसी उहा को मैं उसे पिछले 3 अपने भवों का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उसने देखा कि मैं पहले भव में एक साधु था और मेरे पांव के नीचे एक मैन की मर गई, और मेरे जो शिष्य था उसने मुझे बार बार कहा कि मिच्छामि दुग्धम बोलो, लेकिन मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, और रात के समय जब
और भी प्रतिक्रमण के पश्चात कहा कि तुम उसका भिक्षा में दुग्रम ले लो, मैंने नहीं लिया। तब उसने बार बार कहा तो वो गुस्से में आकर उसको मारने के लिए दौड़ा, शिष्य को मारने के लिए दौड़ा, तो एक स्तंभ था उससे टकरा कर उसकी मौत हो गई। और कुछ छोटा मोटा देव बना और देवता का आयुष्य पूर्ण कर इसी आश्रम में, कनसल आश्रम में जो आश्रम का अधिपति था वहां पर पुत्र रूप में जन्म लिया और उसका नाम दिया गया कौशिक। कौशिक बहुत ही क्रोधित स्वभाव का था तो लोग उसे चंद्र कौशिक कहते थे। एक बार कुछ राजकुमार फूल चुनने के लिए उस आश्रम में आए तो जब उसको चंद्र कौशिक को मालूम पड़ा कि यहाँ पर राजकुमार फूल चुनने के लिए आए तो वो उनको एक फरसा लेकर मारने के लिए दौड़ा। तो राजकुमार तो भाग गए मगर एक गहरा गड्ढा था उसमें वह चंद्र कौशिक गिर गया और उसका फरसा उसके गर्दन पर लगा और वो मर गया और मर करके चंद्र कौशिक नाग बना। तो बंधुओं हम ध्यान दें, एक क्रोध ने क्या दशा कर दी एक इंसान की। क्रोध जिस पात्र में रहता है वह जिस तेजाब जिस पात्र में रहता है उस पात्र को नहीं जलाता, मगर क्रोध जिस पात्र में रहता है उसी को जलाता है। क्रोध के कारण क्या है? हमारे भीतर आसक्ति है, अहंकार है, प्रतिकूलता है, जब आती है सामने तब हम अहंकार करते हैं। तो क्या हम प्रश्न आपसे होता है कि क्या क्या क्रोध आता है, किस किस को आता है क्रोध? लगभग सब हाथ खड़े होंगे, लेकिन बंधुओं क्रोध आता नहीं है, क्रोध किया जाता है। क्रोध आता नहीं है, स्वयं नहीं आता है। अगर हम कहीं सर्विस कर रहे हैं, कोई बोस है और थोड़ी 19-20 बात हो गई तो बोस कुछ बोलेगा तो हमारी नौकरी का सवाल है, कुछ हम उसको चुपचाप सहन करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। वही घर पे आ गए और बीवी ने कहीं साथ में नमक या मिट्टी कम ज्यादा कर दी तो हम उस पर उबल पड़ेंगे। क्रोध आया है या किया गया है? क्रोध आता नहीं है, हम करते हैं, ये हमारे हाथ में है, हम इसे कैसे कम कर सकते हैं? हम अपने स्वभाव पर नियंत्रण करें, हम सोचे कि हम क्या कर रहे हैं तो हमारा स्वतः क्रोध शांत हो सकता है। तो इस प्रकार उस सर्प ने देखा कि मैं क्रोध के कारण मेरी यह गति हुई है, तो उसने उसी समय अन्न छल ग्रहण करने का त्याग कर दिया और अपने मुंह को बिंब के अंदर डाल दिया और पूंछ बाहर रख दी। और लोगों ने देखा कि यह तो सांप मरा हुआ है ऐसा लग रहा है, तो लोग आए उसकी पूजा अर्चना करने लगे, दूध घी चढ़ाया जिससे कई प्रकार की चीटें आई और उस चीटियों का दर्द वो 8 दिनों तक सहन करते गए और मर करके वो चंद्र कौशिका जी 8वें देवलोक में गए। देवलोक में गया ऐसे थे हमारे पति पावन महावीर, जिन्होंने अपना उद्धार किया साथ साथ में दूसरों का भी उद्धार किया। इसमें कहा कि वे कहा भी गया है, कानों में गिल्ले घरवाए पैरों की रफकाई तेरे, तरह तरह के कष्ट सहे पर आईन मुख पर चिकन तेरे, कौशिक नाग ने जब तुझे काटा, कौशिक नाग ने जब तुझे काटा, निकली दूध की धारा रे, सुनो वीर जिनेश्वर प्यारे, हम आए चरण तुम्हारे। तो भगवान चंद्र कौशिक का उद्धार कर उत्तर वाचाला पधारे, वहां नाग सेठ के यहाँ 15 दिनों का तीर्थ से पारणा किया और वहां से श्वेतांबिका से पृथ्वीपुर जाते हुए मार्ग में गंगा नदी आई, गंगा पार करने के लिए नौका पर भी आरूढ़ हुए। वहां पर सुदृष्ट देव ने भयंकर तूफान खड़ा किया, नौका को उलटने की भी कोशिश की मगर भक्त नाथ महादेव के कंबल और संबल ने उस देव के प्रयत्न को विफल कर दिया। नौका से उतर कर भगवान गंगा के किनारे सुनाक सन्निवेश पधारे और वहां ध्यानस्थ हो गए। गांव में एक पुष्य नाम का निमित्तज्ञ रहता था, उसने भगवान के चरणों को देखा तो सोचने लगा कि यहाँ पर कोई न कोई चक्रवर्ती या सम्राट आना आया है।
तो वह उन चरणों का अनुसरण करते हुए जब देखा तो एक मनुष्य, साधारण सा दिखने वाला मनुष्य ध्यानस्थ खड़ा है। तब उसने सोचा कि मैंने, मेरा यह ज्ञान है वह कहीं कहीं मैं चूक कर रहा हूँ, मेरे तो उसने उसकी जो श्रद्धा शास्त्रों में थी वह दिख गई और वह अपने शास्त्रों को गंगा नदी में बहाने के लिए उद्यत हुआ। तभी इंद्र प्रकट हुआ और कहा कि पंडित, तुम्हारे शास्त्र ठीक कह रहे हैं, इसकी श्रद्धा को मत हिलाओ, वस्तुतः यह कोई साधारण पुरुष नहीं है अपितु यह धर्म चक्रवर्ती है। यह देवेंद्र और नरेंद्रों का भी वंदनीय है। ऐसा सुनकर उससे बहुत बहुत प्रसन्न हुआ और वंदना करके चला गया। थूना सन्निवेश से भगवान राजगृह पधारे और वहां पर संतु वायचाला में चातुर्मास किया और मंखली पुत्र गोशालक वो भी वहीं पर चातुर्मास कर रहा था। तो भगवान ने एकाध बार मास कमल भी किया और उसके उसका पालना किया तो देव धुंधुबी भी बजी और उससे गोशालक प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ। उसने भगवान को कहा कि मेरे को भी दीक्षित कर लो। तो भगवान उस समय कुछ नहीं बोले और बाद में जब भगवान ने और एक मास कमल किया और उसका पालना किया तब भगवान को वापस गोशालक ने कहा कि मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लो। तो भगवान ने उसको अपना शिष्य बना लिया और गोशालक भी भगवान के साथ साथ में विहार करने लगा। तो इस प्रकार भगवान विहार करते हुए चंपा पधारे, वहां तीसरा चातुर्मास किया और भगवान साधना के चौथे वर्ष में चंपा से कला सन्निवेश पधारे और वहां से प्रश्न चंपा में चातुर्मास किया और वहां पर विविध उपद्रव पूर्वक चातुर्मासी तप किया। और भगवान पांचवें वर्ष में प्रश्न चंपा से कलम्बुआ पधारे। कलम्बुआ में मेघ और कालहस्ती नाम के दो जमींदार थे जो जमींदारी के साथ साथ में चोरी का भी धंधा करते थे। तो भगवान महावीर उनको मार्ग में मिले कलम्बुआ को। उसने भगवान को प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो। तो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर कालहस्ती ने भगवान को खूब पीटा और फिर अपने भाई मेघ के पास लेकर गया। और मेघ भगवान को जानता था तो उसने क्षमा याचना की और भगवान को मुक्त कर दिया। भगवान ने सोचा अभी मेरे कर्म बहुत बाकी है, अतः भगवान वहां से अनार्य प्रदेश पधारे, लाल प्रदेश में पधारे और वहां पर भगवान को बहुत अधिक परिचय हुआ और कर्म क्षय किए। तो भगवान को क्या क्या परिचय हुआ देखते हैं कि भगवान को ठहरने के अनुकूल आवास नहीं मिल पाता, दूर दूर तक गांव उपलब्ध नहीं होने से भगवान को भयंकर अरण्य में ही रहना पड़ता, रूखा सूखा बासी भोजन भी मुश्किल से मिलता, कभी कभी गांव में पहुंचने से लोग उन्हें मारने लग जाते और उन्हें दूसरे गांव जाने को बाध्य कर देते, लोग उन पर विविध रूप से प्रहार करते जिससे उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया, उन्हें बार बार गेंद की तरह उछाला गया, कुत्ते महावीर को काटने के लिए दौड़ते और लोग कुत्तों को उठाते उन महावीर को खाने के लिए प्रेरित करते। इस प्रकार भगवान अनार्य प्रदेशों के उपसर्गों को समभाव सहन करते हुए मलय प्रदेश की राजधानी भतीला नगरी पधारे और वहां पर चातुर्मास किया। और उसके बाद भगवान संभा सन्निवेश पधारे और कुपीय सन्निवेश में पधारने पर गुप्तचरों ने उन्हें गुप्तचर समझकर उन्हें पकड़ लिया गया। परिचय पूछने पर मौन रहे तो उनकी पिटाई शुरू कर दी। तभी भगवान पास की परंपराएं शिष्याएं विद्या और प्रगल्भा नाम की परिव्राजिकाओं ने उनका परिचय दिया और समझा बुझाकर भगवान को वहां से मुक्त किया। एक दिन गोशालक ने कहा कि आपके साथ रहने से मुझे कष्ट होता है, आपका भी बचाव नहीं करते और मेरा भी बचाव नहीं करते, इसलिए मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। तो वो वहां से चला गया और भगवान वैशाली में लोहार की कर्मशाला में अनुमति लेकर ध्यानस्थ हो गई और वहां का कर्मचारी लोहार था वह 6 महीनों से
बीमार था और छह महीनों बाद वहां आया और भगवान को देखा कि वो शुभ दिन देखकर आया और देखा कि यहाँ पर एक साधारण आदमी खड़ा है, उसके वस्त्र नहीं कुछ नहीं, तो उसने अपना इसको अशुभ माना और भगवान को हथौड़े से लेकर मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो हाथ वहीं का वहीं स्तंभित हो गया और उसका प्रहार विफल हो गया। वहां वैशाली से विहार कर भगवान शाली तीर्थ के रमणीय उद्यान में पधारे, जहां पर कठपुतला नाम की व्यंतर देवी ने नाना प्रकार से उनको कष्ट दिया और वहीं पर आकर गोचालक पुनः छह मास बाद विविध कष्टों को भोगता हुआ गोचालक वापस भगवान महावीर के पास आया। उधर भगवान आठवें वर्ष में परिपूर्णता चतुर माह होते हुए राजभवन में पधारे, वहां पर चातुर्मासिक तप किया और नवे वर्ष में वापस भगवान अनार्य प्रदेश में पधारे और वहां पर कोई चातुर्मास के लिए स्थान नहीं मिला तो भगवान ने चलते फिरते फिरते हुए चातुर्मास बिताया। इस प्रकार भगवान दसवें वर्ष में अनार्य प्रदेश में विहार कर आर्य प्रदेश में पधारे, तब गोचालक भी साथ था। तो विहार करते समय गोचालक ने पूछा, एक सात पुष्पों वाला एक तिल के पेड़ को देखकर गोचालक ने पूछा कि भगवान ये तिल का पेड़ होता है यह फलवान होगा या नहीं होगा। तो भगवान की कथनी को फेल करने के लिए भगवान ने कहा यह फल वाला होगा, भगवान के कथन को फेल करने के लिए गोचालक ने वो पौधा उखाड़ दिया और कालांतर में वहां बारिश हुई, कुछ गायों के आने जाने से फूल से मिट्टी भी उस पर आई, बारिश भी हुई तो वो पौधा वापस पनप गया और वापस फल देने वाला हो गया। और पुनः जब उस रास्ते से भगवान पधारे तब गोचालक ने पूछा कि भगवान वो सात पुष्पों वाला पुष्प का क्या हुआ। तो भगवान ने कहा कि वो पल्लवित भी जितने तुमने जिसको उखाड़ा था वो पल्लवित भी हो गया है, पुष्पित भी हो गया और उसमें सात सात इसके फल भी है। तो उस गोचालक ने उसको खोल के देखा तो उसमें सात ही जैसे जीव थे। तब गोचालक ने यह निश्चय किया कि जो जैसा है वैसा ही बनता है, अर्थात नियतिवादी वो बन गया, जो जैसा है वैसा ही बनेगा, तो वह नियतिवाद का समर्थक बन गया। इस प्रकार कर्म वहां से भगवान कूर्म गांव के बाहर पधारे, वहां पर एक तापस वैश्यायन तापस सूर्य के सामने दोनों हाथों को ऊपर किए हुए आटा अपना ले रहा था और उसकी जटाओं से जुएं नीचे पड़ रही थी और वो तापस उन जुओं को लेकर वापस अपने जटाओं में डाल रहा था। गोचालक ने कहा कि अरे तापस तुम क्या जुओं के सहयात्र हो, मगर तापस ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर ये बार बार पूछा तो तापस को क्रोध आ गया और उसने पांच सात हाथ नीचे हटकर एक तेजो लेखा छोड़ी, आग के गुब्बारे निकलने लगे और गोचालक भागकर भगवान के चरणों में चुप गया। भगवान ने अनुकंपा वर्ष शीतल लेखा का प्रयोग किया और भगवान को बचाया। यह जब प्रसंग आता है तब भी हमारे आद्य प्रवर्तक भीखण जी कहते हैं कि छह लेखा होती जदवीर में पूता आठ ही कर्म वीर सूर्या तीर्थ में मूर्ख खाते भर में, अर्थात जो भी हमारे जैन साधु है वो लब्धि को फोड़ते नहीं है, मगर छदमस्त हालांकि छदमस्त थे भगवान, मगर राग आ गया अपने शिष्य पर तो ऐसे लब्धि खोली। तो भगवान भिक्षु ने उनको भी नहीं छोड़ा, नहीं वीर नहीं राखी, चूकिया तो चूकिया कह दीना, नहीं वीर की राखी। तो गोचालक ने यह देखा कि तेजो लेचा और शीतल लेचा, तेजो लेचा को प्राप्त करने के लिए भगवान को पूछा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान ने उनको करुणाशील थे उसको तेजो लेचा प्राप्त करने का उपाय बता दिया। अब वह अपने तेजो लेचा के उपाय से तेजो लेचा संपन्न बन गया और हलाहल कुमारिन के घर पर रहकर तेजो लेचा की साधना करने लगा और भगवान द्वारा बताई गई विधि के अनुसार छह मास तक तप आयम्बित एवं आटापना करके गोचालक ने तेजो लेचा प्राप्त की और प्रथम परीक्षण के रूप में उसने कुएं पर पानी भरती हुई एक राशि पर
योग भी किया। इस प्रकार तेजो दिशा प्राप्त करने के बाद में गोचालक ने छह दिशाचरों में निमित्त शास्त्र को पढ़ा, जिससे वह सुख दुख लाभ हानि जीवन और मरण इन छह बातों में प्रसिद्ध वचन हो गया और वह आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक यानी आचार्य बन गया। भगवान वहां से वैशाली पधारे और बालक उनको पिता समझकर सताते, और उस समय महाराज सिद्धार्थ के मित्र नरेश चंद उधर से गुजर रहे थे। उसने उन बालकों को वहां से हटाया और भगवान महावीर को वंदन कर चला गया और वहां से वाणिज्य ग्राम पधारे। वहां पर एक अधिज्ञानी आनंद सावर जो कि भगवान का प्रमुख सावर था, वो नहीं दूसरा एक सावर था, उन्होंने भगवान को कहा कि अब आप शीघ्र ही केवल ज्ञान को प्राप्त होने वाले हो। तो वहां से भगवान 11वें वर्ष में दृढ़ भूमि में पधारे और कोलाश्चित क्षेत्र में केले की तपस्या कर अचित भूतगल पर अनिमेष दृष्टि से ध्यान किया। और इस प्रकार भगवान कष्ट सहन कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, तो इंद्र ने अपनी सभा में भगवान महावीर की प्रशंसा की कि उनके जैसा तपस्वी अभी तक नहीं हुआ, उनकी साधना मुखर है और साधना भी बहुत उच्च कोटि की है और उनको कोई साधारण पुरुष से क्या हम लोग देवता भी उनको नहीं दिखा सकते। इस बात से सब लोग सम्मत हो गए मगर एक देव था संगम देव। उन्होंने कहा कि हे देवेंद्र, आप झूठ मूठ की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे 6 माह का समय दे, मैं उनको अपनी तपस्या से डावाडोल कर दूंगा। तब वो 6 महीने की समय लेकर भगवान के पास आ गए आया और एक ही रात में 20 मारणांतिक कष्ट दिए और एक ही कष्ट साधारण व्यक्ति की मृत्यु के लिए काफी है, मगर भगवान ने भगवान के वज्र जैसे कठोर शरीर पर उनका कोई असर नहीं हुआ। तो वो 20 मारणांतिक कष्ट से प्रलयकारी धूलिपात, वज्रमुखी चींटियों द्वारा काटना, तीक्ष्ण मच्छरों द्वारा खून चूसना, दीमकों द्वारा चमड़ी को छट करना, बिच्छुओं का दंत मारना, नेवलों द्वारा मांस को नोचना, भीम काय सर्पों के द्वारा दंत प्रहार, चूहों द्वारा शरीर को काटना, उन पर पेशाब करना जिससे उनकी भयंकर जलन होती है, हाथी हथनी के द्वारा सूंड से उछालना, नीचे गिरने पर पैरों और दांतों से रौंदना, पिशाच रूप बनाकर भयानक किलकारी करना, बाघ बनकर शरीर का विदारण करना, सिद्धार्थ एवं तितला का रूप बनाकर हृदय विदारक विलाप करना, भगवान के पैरों के बीच आग लगाकर भोजन पकाना, चांडाल का रूप बनाकर दुर्वचनों से तर्जना करना, भयंकर आंधी में शरीर को उड़ाना, चक्रवाती हवा में भगवान की काया को चक्र की भांति घुमाना, कानों में तीक्ष्ण मुख वाले पक्षियों के पिंजरे मारना जिससे वे पक्षी छोंच आदि से भगवान के शरीर को घायल कर सके, लोहे का गोला भगवान के मस्तक पर गिराना, रात्रि के रहते दिन बना दिया, लोग आकर कहते कि अब क्यों बैठे हो, चलो यहाँ से, क्यों दिन सूर्योदय हो गया है। इस प्रकार नाना प्रकार से भगवान को कष्ट दिए मगर भगवान अडोल रहे। तो फिर वो संगम वहां पर पान होने का रूप बनाकर भगवान के साथ रहता और लोगों के घरों में सेंध मारकर चोरी करता और वस्तुएं लाकर भगवान के पास रख देता। लोग जब ढूंढते हुए आते तो कहता मेरे को बालक वो पान मुनि कहता कि मेरे को क्यों बोलते हो, मेरे गुरु ये है, ये जैसे करते हैं तो वैसा मैं करता हूँ। तो जो लोग आते वो रस्सियों से भगवान को बांधते पीटते और कभी परिचित मिल जाता तो लोग उन्हें समझाकर चुरा भी लेते। इस प्रकार तोसिल गांव में संगम चोरी करके आया और सेंध लगाने के उपकरण भगवान के पास ही रख दिए। लोगों ने उनको कुख्यात चोर समझकर पकड़ लिया। रामाधिकारी ने उनको फांसी की सजा दी और भगवान को फांसी पर चढ़ाया गया मगर फांसी का फंदा सांस बार टूट गया। सब लोग विस्मित होकर प्रभावित हो गए और अधिकारी ने भगवान को मुक्त कर दिया। संगम ने 6 महीने तक कितने ही कष्ट भगवान को दिए।
इंद्र द्वारा दी गई अवधि समाप्त होने को थी। संगम द्वारा इतने उपसर्ग देने पर इंद्र बहुत खिन्न थे, बहुत मतलब उनके खुशी जाती रही थी। तो वहां पर जो स्वर्ग में होने वाले नाटक आदि थे वो भी इंद्र ने बंद कर दिए थे। अब 6 महीने का अंतिम सूर्योदय होने वाला है, वो 6 महीने पूरे होने वाला है। तो संगम ने नाना प्रकार से कष्ट दिए, फिर भी भगवान विचलित नहीं हुए। तब अंतिम उपाय उस संगम ने सोचा और भगवान को कहा कि हे भगवान, हे महावीर, मैंने तुमको इतने कष्ट दिए हैं, मैं तुमको कैसा लगा। तो भगवान ने कहा कि सुनो संगम, एक व्यापारी है और उसके पास में फुल माल भरा हुआ है, विदेश में व्यापार करता है और उसको घर से बुलावा आ गया और इधर माल भरा पड़ा है, जाए तो जाए कैसे। ऐसे में एक दलाल आकर यदि उस व्यापारी को कहता है कि मैं तुम्हारा माल सवाए दाम में बिकवा लूंगा और अभी बिकवा देता हूँ, तो वो दलाल उस व्यापारी को कैसा लगेगा। तो संगम ने कहा कि वो दलाल तो बहुत अच्छा लगेगा कि ठीक, मेरे को तुम भी उस दलाल जैसे ही लगे हो, मेरे कर्म बहुत बाकी है और तुम मेरे को कर्म क्षय करने के लिए तुम निमित्त बने हो, तुम मेरे को उस दलाल जैसे लगे हो। ये दलाल शब्द सुना और वो तो अत्यंत क्रोधित हो गया और भगवान के दोनों पैरों में पड़कर दोनों पैरों से जैसे धोबी कपड़े को पछाड़ता है वैसे पछाड़ने के लिए उद्यत हुआ। तभी इंद्र प्रकट हुआ कि हे मूर्ख, सामने देख 6 महीने पूरे हो गए है और ये 6 महीने तक जो भगवान तुम्हारे कष्टों से नहीं घबराए और जो विचलित नहीं हुए, तुम्हारे अंतिम प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार उस संगम को वहां से देवलोक से भी निकाल लिया और वो अपने मनुशिला पर वहां पर अभी भी अपना जीवन मतलब व्यतीत कर रहा है। तो इस प्रकार संगम में 6 महीने तक नाना प्रकार से उपसर्ग दिए और भगवान वहां से वैशाली पधारे और चातुर्मासिक तप किया। वैशाली में जिन दत्त नाम का एक श्रेष्ठी रहता था, उसकी आर्थिक स्थिति पहले अच्छी होगी मगर कमजोर हो गई तो लोग उसे जीर्ण श्रेष्ठ कहते थे। वह भगवान के रोज दर्शन करने के लिए जाता और भगवान को अपने घर पर भोजन के लिए पधारने के लिए कहता। भगवान की तपस्या चालू थी। जब चातुर्मास की परिसमाप्ति पर भगवान आहार के लिए निकले तो एक पूरण नाम के सेठ ने अर्ज की भगवान वहां पर पधार गए और एक दासी को कहकर पूरण सेठ ने दान दिलाया। पारना हो गया, देवों ने धुंध भी बजाई। उधर जीर्ण सेठ अपने घर में भगवान के आने का इंतजार कर रहा है। वह अपने उन्मुक्त भावों से भावना भा रहा है कि भगवान मेरे घर पर पधारे। और उधर भगवान का तो पाना हो गया, देव धुंध भी बजी, तब उसकी जीर्ण सेठ की संद्रा टूटी कि भगवान का पाना हो गया है। तब भगवान को पूछा गया कि महादानी कौन है, तो भगवान ने कहा कि महादानी है जीर्ण सेठ। बंधुओं, यह है 12वां व्रत, श्रावक का 12वां व्रत। हम चाहे साधु है, पदार्थ है या नहीं पदार्थ है, हम यदि भाव पूर्वक हम बोध के लिए भावना भाते हैं, वह हम साधु पधारे उसको दान देते हैं, उससे भी अधिक महत्व है इस 12वें व्रत का। तो हम भी अपने जीवन में 12वें व्रत को अपनाएं। इस प्रकार भगवान वहां से विहार कर कौशाम्बी पधारे और कौशाम्बी में वहां पर राजकन्या है एक वहां पर, तो चंदन बाला ने भगवान ने कौशाम्बी में पधारकर 13 बोलों का अभिग्रह स्वीकार किया और वो 13 बोल है कि वह राजकन्या हो, बाजार में बिकी हुई हो, सिर मुंडित हो, हाथों में हथकड़ी हो, पैरों में बेड़ी हो, 3 दिन की भूखी हो, भौंयरे में अर्थात तल घर में हो, आधा दिन बीत जाने के बाद एक पैर दहलीज में और दूसरा पैर बाहर हो, सूप के कोने में उड़द के बाफले हो
और आंखों में आंसू हो। इस प्रकार भगवान कौशाम्बी में इन 13 बोलों का अभिग्रह करके पालने के लिए घूम रहे हैं। यह एक आख्यान है मुनि तुम्हें मल्ल सागर मल्ली समन का, उनके द्वारा रचना की गई है। घूमते अनबोले महावीर, घूमते अनबोले महावीर, कौशाम्बी की गली गली घर घर डोले महावीर, घूमते अनबोले महावीर, घूमते अनबोले महावीर, रोज घोतरी की बेला में मोहले मोहले फिरते, कभी किसी की भी कोई मनुहार स्वीकृत करते, रुकते मुड़ते फिर चल पड़ते, रुकते मुड़ते फिर चल पड़ते, अनमोले महावीर, घूमते अनमोले महावीर, घूमते अनमोले महावीर, निरालंब योगी उपयोगी नव नव योग प्रयोगी, वीत राग साधक ने पच का अभिग्रह संयोगी, देखे कब तक दीर चंद ना के खोले महावीर, घूमते अनबोले महावीर, घूमते अनबोले महावीर। तो भगवान कौशाम्बी में घर घर घूम रहे हैं, मगर ज्ञान लगाकर देखते हैं कभी अभिग्रह सही पर फलता नहीं है। और उधर दूसरी ओर हम देखते हैं चंपा नगरी, चंपा नगरी चौमुखी प्रतिपद प्रगति प्रसिद्ध, धन बल जन बल धर्म बल सुखी शांत समृद्ध, दधि वाहन नृप दूध दिते अधिक उदात उदार, धरणी धीरज धारिणी महति मात्र मीनार, वसुति नति रीति वसुमती चंदन बाला चित्त, रंग रूप लावण्य रस विभा विभाव सुवित्त, चहन कक्ष शैया सुखद सोते स्वप्न विलोक, चिल्ला कर जागी चतुर चंदन बाला चौक। चंपा नगरी जिसका राजा है दधि वाहन और उसकी पत्नी है रानी धारिणी और उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है वसुधा और जिसको प्रेम से वहां पर बुलाया जाता है चंदन बाला। एक बार चंदन बाला अपने शयन कक्ष में सो रही थी तो उसे एक स्वप्न आया और स्वप्न में उसने देखा, क्या देखा कि माता जी मैंने क्या सपना देखा, अम्मा जी मैंने क्या रहा
अलकासी चंपापुरी तहस नहस बाजा दस्त हुआ ध्वज राज सी राज महल झंकार माताजी मैंने क्या सपना देखा कि चंदन बाला अपनी माँ से कह रही है कि मैंने एक स्वप्न देखा है कि चंपा नगरी पर किसी ने आक्रमण कर लिया है और चंपा नगरी तहस नहस हो गई है। मगर उधर धारिणी अपने पुत्री को धैर्य बंधा रही है और कहती है इस प्रकार सपनों के आधार पर तुम अपना धैर्य मत खो। मगर जब प्रातः होता है तब रणभेरी सुनाई देती है, तब लगता है उनको कि सपना सचमुच साकार हो गया है और उधर चंपा नगरी में सहस नहस हो रही है क्योंकि वहां की सेना सुभद्र की सहायता के लिए दधिवान राजा के साथ चली गई थी और वहां का जो मेन गेट था जो द्वार था वो बंद था और उसके रक्षकों को थोड़े सैनिक कब तक वो प्रतिरोध करते तो उनको भी मार काट कर दिया गया। तब एक सैनिक बचकर जो नगर का रक्षक था वो बचता हुआ रानी के पास आया कि हमारे राज्य पर आक्रमण हो गया है और राजधानी में सैनिक घुस गए हैं तहस नहस हो गई है और लूटपाट हो रही है। तभी वहां पर एक काकमुख नाम का सेनापति जो शैतानी की राजा का सेनापति था वह भी दधिवाहन से शादी हुई उसके पहले धारिणी को चाहता था और वो धारिणी को पाना भी चाहता था। तो वो काकमुख दूसरे सैनिक धन धन की लूटपाट कर रहे हैं, धन भर भर के ले जा रहे हैं। मगर सैनिक उस महल में आया और रानी धारिणी और पुत्री को अपने रथ में बैठा कर जंगल की ओर ले गया और उधर शैतानिक ने अपने सैनिकों को कहा कि चंपा नगरी की लूटपाट करो तो वो लूटपाट करके चले गए। उधर जंगल में उन दोनों को लेकर गया और वो जो काकमुख था वो धारिणी के पास आया और अपने विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए उसे कहने लगा कि तुम मेरी मतलब ये काम पिपासा शांत करो। इस प्रकार वह अब धारिणी कह रही है विवल रसिक वसिक यों बोला अवसर मिला अमोल सुधी आओ राग रसीले जीले प्रेम पीस प्रण कापी जो ही आगे बढ़ा किरानी नागिन जो फुपकारी मैं धग धग सा अंगारा हूँ नारी नहीं खुली नारी खबरदार जो हाथ लगाया यह तन तुझे न मिल सकता मेरू कभी न हिल सकता पूरे में कमल न खिल सकता देख अभी दिखलाती हूँ रजपूती कह रानी दहारे जीब खींच ली रहा रसिक बोचक का सा आंखें पारे। उधर वो काकमुख जो जो चेष्टा कर रहा है धारिणी के पास में जाने की तो वह प्रतिकार कर रही है। मगर जब काकमुख जब उस पर काम वासनाओं का मान अंधा हो गया तब रानी ने कहा कि खबरदार आगे मत बढ़ना और उसी समय जब वो नहीं माना तो धारिणी ने अपनी दीप खेच ली और वहीं पर ढेर हो गई। क्षणिक छटपटा धारिणी प्राण दिए निष्पाप जब से दीपति चंदना रो रो करे विलाप। उधर
माँ के लाश से चंदन वाला लिपट कर विलाप कर रही है। ये माँ मैंने नहीं जानी थी तुम छोड़ जाओगी, ए माँ यह तो नहीं जानी थी तुम छोड़ जाओगी, छोड़ जाओगी मुखड़ा मोड़ जाओगी, छोड़ जाओगी जीव मरोड़ जाओगी, ए माँ यह तो नहीं जानी थी तुम छोड़ जाओगी। माँ मरने से पहले मुझे मार देना था, बेटी की ममता को विसार देना था, आखिरकार इस कसाई से ही जोड़ जाओगी, ए माँ यह तो नहीं जानी थी तुम छोड़ जाओगी। तो इस तरह वो विलाप कर रही है कि मैंने यह नहीं समझा था कि तुम अकेली ही चली जाओगी, और वो भी इस कामांध व्यक्ति के भरोसे। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। यह बात यह दृश्य जब उस कांप मुख ने सुना तो उसकी बुद्धि थोड़ी चुकाने आई और वह बोला, देख विभत्स दृश्य दुखदाई, पापी भूति ठिकाने आई, बोली माया जाल तने कर दो क्षमा चंदना बेटी, मत तुम डरो भूलती मेरी, चाई आँखों में अंधेरी, दोनों ने मिल चका जलाई, घर चंदनाई। तब काप मुख ने यह दृश्य देख कर कहा कि बेटी, और बेटी शब्द कहा तो मुझे उसे चंदन माला को कुछ संतोष हुआ। और उधर देखते हैं कौशाम्बी में सब जो सैनिक गए थे वह तो लूट पाट करके धन मान लेकर अपने घर पे आ गए, मगर वह काप मुख अभी तक घर नहीं लौटा था, तो उसकी पत्नी बाहर इंतजार कर रही थी। हो सकता है वो सेनापति है, कोई बड़ी लूटपाट की हो गई होगी तो आज तो अपना घर धन मान से भर जाएगा। इस प्रकार वह बाहर ही खड़ी को पूछ रही है कि अब आप मेरे लिए क्या भेंट होगा लेकर आए युद्ध करने के लिए, ये क्या लेके आए। तो कह रहा है कि लाया हूँ तेरे लिए असली भेंट अमोल, अमरापुर की अप्सरा खेमा रथ का खोज, कि इस रथ में मैं लेके आया हूं तो एक बार देख तो ले। और जैसे ही उस पर्दे को उठाया वह तो अचंभित रह गई। उसने कहा, इसको मैं कभी घर में आने नहीं दूंगी, चाहे तुम्हारी इज्जत ले लूंगी, मैं छापे पर चढ़ कर पूरे नगर को इकट्ठा कर दूंगी, मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगी, मगर इसको घर में नहीं आने दूंगी, और इसको यदि घर में लाया तो मैं अन्न चल नहीं लूंगी, मैं बड़े अनशन कर दूंगी, मगर इसको घर में नहीं आने दूंगी। बहुत ही प्रतिरोध किया, तब बड़ी मुश्किल से उस काग मुख ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि तुम हमारे रात्रि विश्राम आज के लिए कर ले लो, मैं कल सुबह जाकर उसको बाजार में बेच दूंगा। और सुबह होती है तब वह बाजार में उस चंदन माला को लेकर जाता है। बेच दूंगा कल सुबह स्वीकार जब पति ने किया, तब कहीं घर स्वामिनी ने रात भर रहने दिया, साथ चौहटे चढ़ी जब बोलिया उपचार में, कह रहे जन अप्सरा बिकती अरे बाजार में। अब वह रूपसी चंदन माला बाजार में खड़ी है बिकने के लिए,
तब एक वेश्या आई और उसे उचित दाम देकर खरीद लिया। तब चंदन बाला ने पूछा कि माँ जी, आप मुझे ले तो जा रही हो, मगर वहां पर काम क्या करना पड़ेगा? तो कहा उसने वेश्या ने कि काम कुछ भी नहीं, खाओ पियो सत्संगार से, नागरिक जन को जाओ कला से अभिचार से। काम वहां पर कुछ नहीं करना है, पर तुम अपना श्रृंगार करो और जो भी नागरिक जन आते हैं उनको खुश करो। चंदन बाला ने सोचा कि यहाँ पर मेरे शील की रक्षा नहीं हो सकती। तब उसने चंदन बाला ने वहां जाने से इनकार कर दिया। तभी एक सेठ वहां पर धनावा आया और उसने देखा कि एक जो सुकन्या सबकांत परिवार की लग रही है और उसको इस तरह वेश्या ने खरीदा है, वो ले जाना चाहती है। तो उस धनावा सेठ ने वापस वेश्या को उसका दाम देकर वहां से मुक्त करवाया और अपने लेकर अपने घर लेकर गया। और वो धनावा सेठ को भी उसने पूछा चंदन बाला ने, आप ले जा तो रहे हो लेकिन वहां पर करना क्या है? तब धनावा सेठ ने कहा कि वहां पर कुछ नहीं करना है, मूला को अपनी माँ समझना, हिल मिल कर रहना और अपने जो भी धर्म का तुम्हारे को करना क्रिया कर्म वो करो और आराम से रहो। मगर मूला घर में थी, आखिर वो भी रखे तो रखे कैसे? तो कहने लगी कि कहां से लाए हो मेरे सिर पर शोक, कहां से लाए हो मेरे सिर पर शोक, कब से जाया आप पर इस अलका कारो अलका का आलो। मूला बोली मुखर हो ग्रह द्वार हाथ से रो, किस बल खानी को लाए हो घर में देने धोख, कहां से लाए हो मेरे घर पर हो। मौत पर आई प्रेयसी है जो पानी में जो, बूढ़े होने को चले हो नया लगा क्या शोक, कहां से लाए हो मेरे घर पर तो। मूला प्रतिकार कर रही है कि तुम इसको क्यों ले, आप इसको क्यों लेके आए? तो सेठ ने कहा मैं इसको बेटी बनाकर लेके आया हूँ, तुम बेटी की बेटी मानकर चलो और मेरी भी ये बेटी है, तुम्हारी भी बेटी है। मगर संदेह की दीवारें उसके बीच में खींच चुकी थी, वो इसी ताप में थी कि इसको रंगे हाथों पकड़ू। तो एक बार सेठ जी कहीं बाहर से आए और पैर धोने के लिए गर्म पानी मंगवाया और चंदन बाला गर्म पानी लेकर आई और वह अपने पिताजी यानी धनावा सेठ के पांवों को धो रही है। तो उसके केश थोड़े चेहरे पर आ गए, तो उन बालों को सेठ ने थोड़े मस्तक पर रख दिए और यह दृश्य एक झलोंके से मूला देख रही थी। और यह देखा तो वह तो इसी ताप में थी कि क्या क्या इन दोनों के बीच में चल रहा है। उसका शक शायद उसको लगा कि मेरा शक तो पक्का ही है। तो वो अब बदला लेने के लिए चंदन बाला से किस प्रकार इसको घर से निकालना या किस प्रकार कष्ट देना इसी में है। तब एक बार सेठ जी धनावा सेठ 3 दिनों के लिए किसी गांव में चले गए और उधर अकेली मूला और चंदन वाला, यह सही समय उसको मूला को मिल गया। तो उन्होंने उस मूला ने उसको चंदन वाला को पकड़कर उसके माथे के बाल सब काट दिए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी आदि आदि, और माथे में घाव भी हो गया। इस प्रकार अपने घर के भोए तले में उसको डाल दिया और वो तो अपने पीहर चली गई। उधर सेठ जी बाहर गांव से आए और देखा घर पे ताला,
तो सोचा मूला तो अपने पीहर जा सकती है लेकिन चंदन वाला कहाँ? तो उन्होंने आवाज दी, हे चंदना हे चंदना। तो चंदन वाला तो जो नीचे थी थोड़ा स्वर सुनाई दिया कि पिताजी की आवाज है, तो उसने वापस आवाज दी कि पिताजी मैं यहाँ हूँ। तो थोड़ा सा सुनाई गया तो आवाज की दिशा में वो शेर धनावा शेर उधर गए, तो देखा चंदन वाला की हालत, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। और देखा तो चंदन वाला ने कहा कि मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, सबसे पहले आप मेरे को कुछ खाने के लिए दो। अब इधर देखा उधर देखा मगर कुछ था नहीं, एक कोने में सूख के कोने में उड़द के बाफले पड़े थे, तो वो चंदन वाला को दिया। और पिताजी ने उनको कहा मैं अभी लुहार या सुनार को बुला के लाता हूँ और तुम्हारी ये भेड़ियाँ छोड़ता हूँ, छुड़वाने का प्रबंध करता हूँ, तब तक तुम ये बाफले को खाओ। और उधर भगवान अपने पाने के लिए घर घर घूम रहे हैं। और इसी क्रम में उस शेर के घर में जहाँ चंदन वाला थी वहां भी आते हैं कि आए हैं आए महावीर फिरते फिरते चंदना के द्वार पर, अरने को भव भव की पीर महावीर चंदना के द्वार पर। अब भगवान चंदन वाला के यहाँ पधार गए और अपने ज्ञान से देखा कि 12 बोल तो मिल रहे हैं मगर 1/13 बोल नहीं मिल रहा है, तो भगवान वहां से वापस घूम गए। इस प्रकार भगवान का यह 5 महीने और 25 दिन का यह तप है। और जैसे ही भगवान वहां से मुड़े, आंसुओं की धार चंदन बाला के आंखों से चालू हो गई और वह विलाप करने लगी कि मैं एक राजकुमारी जो बाजार में बिकी, कर्मों की मारी, लोगों के घर में पानी भी भरा, पोते भी किए, झाड़ू भी किया, बर्तन भी मांजे, मगर मेरे को आशा था तो आपका था और आप भी यहाँ पे आए और आप भी चल दिए। हे भगवान मेरे ये कर्मों की क्या माया है? कहा कि भया गीत में सरमुनाए चंदन तेरी राहों में कब से खड़ी थी, पर नहीं थे आंसू उसके पांवों में बेड़ी पड़ी थी, अतुवन की धार बही तब गिर आए हो मेरे महावीरा, कहाँ तुझे पाए हो मेरे महावीरा। तो भगवान जैसे ही वहां से मुड़े और चंदन बाला पे तो जैसे वज्रपात हो गया, जैसे उसको लगा कि मेरे को किसी ने आकाश से फेंक दिया और धरती पर आ गई हूँ, इतना कष्ट उसे हुआ। और वह कह रही है कि आओ लौट के आओ महावीर, तुम्हें चंदना बुलाती है, आओ लौट के आओ महावीर, तुम्हें चंदना बुलाती है, मत जाओ जाओ यो जोड़ी, तुम्हें चंदना बुलाती है, दुविधा की मारी में दुखियारी, दुनिया हमारी न्यारी, जब ने दुखकारी माना भिखारी, पर की दया पे जो आरी, यह अंत की चोट महावीर तुम्हें चंदना बुलाती है।
कहां पे जाऊं किसको सुनाऊं इस मन को कैसे टिकाऊं छुटकारा पाऊं अच्छा मर जाऊं रो रो क्यों जग को रुलाऊं मेरे कांपते हैं होठ महावीर तुम्हें चंद नाम बुलाती आओ लौट के आओ महावीर तुम्हें चंद नाम बुलाती है। तो इस प्रकार भगवान के पिछों में चंदन बाला विलाप कर रही है और भगवान ने अपने ज्ञान से देखा और फिर मुड़ करके देखा चंदन बालों के आंखों में नीर भी बह रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान ने देखा कि 13 बोध मिल गए हैं तो फिर भगवान वह पुनः पधारते हैं और उड़द के बाप ने चंदन बाला के हाथ से लेकर वह स्वल्प मात्रा में लेकर अपना पालना करते हैं और देवता अहोदानों की ध्वनि करते हैं देव दुंदुभी बजाते हैं और सोनैयों की बरसात भी करते हैं। इस प्रकार देवता चंदन बाला की जय जयकार कर रहे हैं प्रति वाहन की जय जयकार कर रहे हैं धारिणी की जय जयकार कर रही हैं और इस प्रकार चंदन बाला का भी पालना हुआ और भगवान महावीर का 5 महीने और 25 दिन का पालना हुआ और यही चंदन बाला कालांतर में विकसित होकर भगवान महावीर के शासन काल में प्रथम सार्वजनिक प्रमुखा बनी। तो इस प्रकार भगवान महावीर ने पालना किया है और अब मैं कार्यक्रम को कुछ मोड़ देता हुआ कुछ मोड़ देना चाहूंगा और सबसे पहले आपकी तैयारी है सुनिए गीतिका के बाद मैं गीतिका के लिए बुलाना चाहूंगा खुशबू भंसाली ये उपस्थित है शायद नहीं है तो फिर आ गया मौन है अच्छा उसके पश्चात युवक परिषद तैयारी कर ले अपनी और उसके पश्चात महिला मंडल जिन्होंने अपनी तैयारी की है वो भी अपने आगे के प्रस्तुति के लिए तैयार हो जाए। हमारे साथ साथ आपकी सहभागिता भी जरूरी है हिलमिल करके इस संवत्सरी के पर्व को मनाना है। Daddy!
ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। इनकी प्रमोद भावना देखिए कि इन्होंने सब पूर्व अध्यक्षों को जो है इसके लिए बुलाया सहभागिता की, ये अनुकरणीय है। अगर सारी संस्थाएं इस तरीके का उदाहरण दे तो कितनी प्रमोद भावना होती है। तो जो इनके दिमाग के अंदर ये बात आई है, बहुत ही सुंदर बात आई है, ये अनुकरणीय है। और हमारा भी सौभाग्य देखिए कि अधिकतर अध्यक्ष यहाँ मौजूद है। ये इचलकरण जी की एकता का, धर्म भावना का, गुरु भक्ति का, गुरु निष्ठा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, गुरुदेव के सामने प्रस्तुत करने का उदाहरण है। मैं तो युग परिषद कहूंगा जब दर्शन करने जाए गुरुदेव को तो गुरुदेव को इस बात का गुरुदेव को बहुत प्रसन्नता होगी। 16 में से 14 पूर्व अध्यक्ष मौजूद है। ओम अरम अनुशासन करते साधना को जीवन
जीवन देय बनाया था गुरुमूर्ति नीति के विरुद्ध ने कदम कठोर बढ़ाया था। ओ, 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 सब धर्म संघ की देख दशा सब धर्म संघ की देख दशा अभिनव विधान से खूब कथा यह संग हमारा नयन सितारा सारे जग से न्यारा यह संग हमारा यह संग हमारा इस एक महल की नींवों में कितनों का पौरुष बोले हाँ कितनों का पौरुष बोले सरदार गुलाब रती की सूझ बूझ मन में अमृत बोले ओ सम सेवा संगठन में के सम सेवा संगठन में के हर सावक कोयल जू कहके यह रंग हमारा नयन सितारा सारे जग से यारा यह संग हमारा यह संग हमारा समय समय पर आचार्यों ने इसकी सफल सुरक्षा की हाँ इसकी सफल सुरक्षा की जोश जगाती मन में मुनि हेम खेत थी की जाती संतों सतियों की कुर्बानी संतों सतियों की कुर्बानी हुए सावक कितने बलिदानी यह संग हमारा नयन सितारा सारे जग से न्यारा यह संग हमारा यह संग हमारा गौरव को आज नहीं आए पग पग इतना ध्यान रहे हाँ पग पग इतना ध्यान रहे इसके ही हित में हित अपना पल पल में इतना ध्यान रहे ओ मधुकर पहरी का काम करे मधुकर पहरी का काम करे जन जन में शुभ संसार भरे यह संग हमारा नयन सितारा सारे जग से यारा यह संग हमारा यह संग हमारा